देख रहा है ना विनोद, कैसे ये आइसक्रीम का फोटो दिखा दिखा कर पब्लिक को पाम ऑयल पिला जा रहा है, पिलाया जा रहा है। दिखने में ये दोनों आइसक्रीम लग रही है, लेकिन सिर्फ एक ही पैकेट पर आइसक्रीम लिखा हुआ है, जबकि इस पैकेट को मैंने देखा, चेक किया, कहीं पर भी आइसक्रीम नहीं लिखा हुआ। इस पर लिखा हुआ है फ्रोजन डेजर्ट। फ्रोजन डेजर्ट के इंग्रेडिएंट्स चेक करने पर पता चला कि फ्रोजन डेजर्ट इज मेड विद 9% एडिबल वेजिटेबल ऑयल। इसका मतलब ये आइसक्रीम पाम ऑयल से बना हुआ है। एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अगर कोई भी आइसक्रीम को दूध के अलावा किसी भी चीज से बनाया जाता है तो उस पर आइसक्रीम नहीं लिखा जा सकता। इस प्रोडक्ट को मैंने चेक किया, इसके इंग्रेडिएंट्स में कहीं पर भी पाम ऑयल नहीं लिखा हुआ। इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है मिल्क सॉलिड, शुगर एक्सेट्रा। तो ये आइसक्रीम दूध से बना हुआ है, ना कि पाम ऑयल से, इसलिए इस पर आइसक्रीम लिखा हुआ है। पाम ऑयल सेहत के लिए काफी खतरनाक होता है, इससे कैंसर, डायबिटीज और इवन हार्ट अटैक भी आ सकता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप आइसक्रीम लेने जाओ, मेक श्योर आप आइसक्रीम ही खरीद रहे हो, ना कि पाम ऑयल। सावधान रहें, सतर्क रहें।